हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म का जो करेक्शन है उससे संबंधित बात करेंगे हम लोग। कुछ लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे क्योंकि डेट बढ़ा दी थी यूपी ट्रिपल एससी ने। इस बार एक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया इन्होंने कि इन्होंने डेट जो है वो आगे बढ़ा दी, डेट एक्सटेंड कर दिया 27 से लेकर 31 तक। अब अगर कोई फॉर्म अभी नहीं भर पाया है तो वो उसकी गलती है, क्योंकि इस टाइम पर वेबसाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट भी आपकी चल रही है। आप आराम से जाकर के यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जाकर के आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो फिर इसमें आपकी फॉल्ट है। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो फॉर्म भरवा लिया उन्होंने, आपने भर दिया, लेकिन फॉर्म में कुछ गलती होना कभी कभी हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है, इंसान से गलती हो जाती है। तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, स्पेलिंग मिस्टेक, फादर नेम में मिस्टेक हुआ हो, कुछ और हुआ हो, तो वो चीज़ें आपको जरूर चेक करनी चाहिए। अपने पीडीएफ को आपको खोल लेना चाहिए एक बार, उस पीडीएफ को आपको पूरा चेक कर लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें सही है। स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी तो सही होगी, आपको मेल आई होगी, और उसके अलावा फादर नेम में कोई गलती ना हुई हो, फोटो वगैरह सही से अपलोड हुआ हो, जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उसको आप चेक करके चेंज जरूर कर लें। सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर जो आपने डाला है, और सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर साथ में डाले हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें, जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा मेंस एग्ज़ाम में, मेंस के बाद जब आपका आ जाएगा आगे, क्या ज़रूरत पड़ेगी आगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी डीवी का, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, नहीं तो आपको सिलेक्शन होने के बाद भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इन सब को देखते हुए हम लोग इसमें बात करेंगे कि पेट के फॉर्म का करेक्शन आप जरूर कर लें, चेक जरूर कर लें, भले से आप में कोई करेक्शन हो या ना हो, एक बार आपको चेक जरूर करना चाहिए। 3 अगस्त तक आपके पास टाइम है, अभी 3/8/2022 तक का टाइम है, आप आराम से फॉर्म को जो है चेक करिए और फिर उसके बाद करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो फिर लाखों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। आप देख लीजिए, बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होंगे, उसमें आपका भी नंबर ना आ जाए, ये आपके दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये गलती आप ना करें, रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन। फाइनल सबमिट के बाद कैसे करेक्शन करना है, किसी को अगर उसमें समस्या तो वो भी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और जो चीज़ है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी, यहाँ पर आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर दी जाती रहती है, जेन्युइन जानकारी होती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित हमने एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप का हमने लिंक भी दे रखा है यहाँ पर, उससे जाकर वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप जाकर आपके जो भी सवाल है वो आप हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको डायरेक्ट हमसे जो भी सवाल आप पूछते हैं वो आपको उसका जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। और पीटी से रिलेटेड, पीटी 2022 का हम जो है बहुत ही जल्द आपको देखेंगे। आपको 1 अगस्त से आपको हम 18 अगस्त के बीच में लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको हम कराएंगे, जिसमें हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट होंगे। बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप और भी चैनल हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बता दूंगा उस वीडियोस में कहाँ कहाँ से आपको बाकी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट कर लेना है। हिंदी और जीएस के लिए आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ अवेलेबल कराएंगे, जो कि लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आप मान के चलें कि इसमें से आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे नंबर लाना है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप ये बुक भी ले सकते हैं। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, पेट 2022 के लिए आई है। इस बुक में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट कराया गया है, 2100 प्रश्नोत्तरी, एक व्याख्यात्मक हल, और पिछले पुराने साल के जो दो आपके प्रश्न पत्र हैं उसका हल भी यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ दिया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप कला टीजीटी की बुक इनसे ले सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कला टीजीटी की, इसमें भी बहुत सारे आपको प्रश्नोत्तरी जो है अध्याय वार विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे। 2003 से लेकर 2016 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके हिंदी की टीजीटी के लिए बुक है, सेम इसमें भी वही चीज़ है, 2003 से 2021 तक के जितने भी पेपर कराए गए हैं वो सारे पेपर आपको सबका प्रैक्टिस सेट का आपका हल यहाँ पर जो है पेपर्स का हल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संबंधित भी बुक ये यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं 2009 से 2020 तक के। और यहाँ पर नंबर और उनके व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर इनसे परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी आप चाहें तो इनसे कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको स्टोर्स पे आपके आसपास के जो भी बुक स्टोर हैं वहाँ पे इसकी बुकें आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म करेक्शन के लिए। आप कह रहे हैं हमने कोई करेक्शन गलती नहीं करी, हमने सब कुछ चेक कर लिया, बट मैं आपसे कहता हूँ एक बार आप फिर से लॉग इन करिए और चेक कर लीजिए, हो सके तो आप जरूर चेक करिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, आप भी वो लाखों की संख्या वाले कैंडिडेट में आप भी एक कैंडिडेट गिनती में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग सबसे पहले बात कर रहे थे सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर कैसे अपलोड किया है। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कहा होगा हिंदी में सिग्नेचर हम करते हैं और हिंदी में नाम भी लिखना है। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन इस फॉर्मेट के अलावा आपको ये देखना चाहिए इसमें लिखा क्या है। देखिए, अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे, उसके ऊपर देखिए लिखा है नाम, अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी स्कैन प्रति आपको अपलोड करनी है। अब जैसे आपने किया क्या है, यहाँ पे दिया है इन्होंने क्या कर दिया, सैंपल में क्या कर दिया इन्होंने, राम अवतार हिंदी में नाम लिख दिया है इनका, हिंदी का पूरा नाम हो गया, जैसा कि वहाँ लिखा गया है कि हिंदी में नीचे आपका पूरा नाम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका सिग्नेचर कॉलम है, यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए आपका सिग्नेचर कॉलम है, यहाँ पर आपका हिंदी में नाम हो गया। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो हो गया।
अब इसके ऊपर सिग्नेचर आपको इसके ऊपर जो ऊपर वाला यहाँ करेंगे ये आपका सिग्नेचर माना जाएगा, ये आपका नाम माना जाएगा। अगर आप हिंदी में ही अपना साइन करते हैं, जैसे इन्होंने राम अवतार लिखा है, मान लीजिए इनका साइन भी होता होता राम अवतार ही ये लिखते पूरा, तो ये इसके जस्ट ऊपर राम अवतार ही लिखेंगे। इंग्लिश में नहीं लिखना है, जो आपका साइन है वो लिखना है। हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। अगर आप कुछ ऐसे ही बनाते हैं आर ए करके ये, तो ये आपका साइन हो गया। तो इस नाम के ऊपर आपको अपना साइन देना है, ना कि ऐसा नहीं अगर आप हिंदी में ही साइन करते हैं तो केवल एक ही बार लिख दिया, क्योंकि हम तो साइन भी हिंदी में ही करते हैं, हो गया ना। ये आपका नाम माना जाएगा, इसके ऊपर जो आप लिखते हैं वो आपका सिग्नेचर माना जाएगा। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, चेक कर लें, अगर ऐसी गलती हुई है तो आप फिर से आप लॉग इन करें। 3 अगस्त तक का टाइम आपके पास अभी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप आराम से लॉग इन करके इसको फटाफट चेंज कर लें। वेबसाइट आपके भी चल रही है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही, आपको आगे समय नहीं देगा आयोग, क्योंकि एक बार वो डेट बढ़ा चुका है फॉर्म भरने की। एक समस्या तो ये हो गई, दूसरी आपकी क्या है, फोटो आपने अपलोड करी है, फोटो साफ सुथरी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो के साथ कोई इशू नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं, देख कुछ लोग परेशान है कि हमने एज का सर्टिफिकेट और कास्ट का नहीं, यहाँ पे वैकल्पिक दिया हुआ है, देखिए ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, डालिए ना डालिए दोनों काम आपका चल जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो, मान लीजिए आपने क्वालिफिकेशन डाला है हाई स्कूल या ग्रेजुएशन या जो भी आपने डाला है, तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर नाम वगैरह डाल दिया आपने, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर में से कुछ भी एक डाल सकते हैं दोनों में। सर्टिफिकेट नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर अलग से लिखा होता है सीरियल नंबर की तरह, वो हो गया। रोल नंबर आप जानते हैं, इशू डेट आपके मार्कशीट पर नीचे आप कॉर्नर में देखें, लेफ्ट साइड में लिखा होता है इशू डेट, वहाँ पर मेंशन होती है। आप सर्टिफिकेट से ही देखिएगा, सर्टिफिकेट से ही रोल नंबर और सर्टिफिकेट का ही डेट डालिए, ज़्यादा जरूरी होता है। मार्कशीट से आप कॉपी करने में कोई कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप इशू डेट जो है वो सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होता है, सर्टिफिकेट का इशू डेट डालिए, रोल नंबर डालिए, या आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना, सर्टिफिकेट का नंबर लिखा होता है वो डाल दीजिए, तो आप इसको मैच करा लीजिए, एक एक नंबर कायदे से चेक करा लीजिए, कभी आपका सिलेक्शन मेंस में होगा तो जब आपको इसको मेंस के क्या कहते हैं आपके जो क्वालिफिकेशन की जो डिटेल दी जाएगी वहाँ पर डीवी में, उससे मैच कराया जाएगा। अगर मिसमैच हुआ तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर खड़ी हो सकती है। हम लोग अगली बात कर लेते हैं, आपको जो पीडीएफ है पूरा पीडीएफ आपको एक एक चीज़ चेक करना है। कायदे से तो आपको फादर नेम, उसमें अगर आपने स्पेस दे रखा है, मान लीजिए राकेश कुमार था, तो इसमें स्पेस अगर नहीं है आपकी मार्कशीट में तो स्पेस नहीं देना है। अगर आपके नाम में स्पेस नहीं है तो नाम में भी नहीं देना है, या कुमारी लगा हुआ है, जो मार्कशीट में आपको लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिखें, मार्कशीट की कॉपी ही आप लिखें। रोल नंबर में आपका अगर 0 लगा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 8, 4 जो भी है, तो ये आपको 0 भी लिखना है, इसको छोड़ना नहीं, ये भी गिनती होती है। अगर आपके रोल नंबर में जो भी डिजिट है एक एक डिजिट आपको यहाँ लिखना है, ठीक, तो आप लोग लॉगिन करें, करेक्शन आप जरूर चेक करें। और अगर पुराना फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो रही है पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह से, तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमारे चैनल पर जाकर, वहाँ से और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप करेक्शन संबंधित या फॉर्म भरने संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है आप वहाँ से देख के उस फॉर्म को आराम से भर लीजिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख जरूर बताएं। अगर आपकी कोई भी समस्या फॉर्म भरने संबंधित, और आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जाएँ और चेक करें कि आपका फॉर्म आपने जरूर भर लिया है सही है, लेकिन एक बार लॉगिन करके करेक्शन के नहीं कुछ, तो आप पीडीएफ अपना ओपन कर लीजिए, पीडीएफ अपने डाउनलोड किया है फाइनल, उसको एक एक चीज़ चेक कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम समझ आए तुरंत फटाफट लॉगिन करें, करेक्शन आप जरूर कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी सही समय पर दी जाती है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इससे अवेयर हो सकें, अपने फॉर्म में करेक्शन जो है वो कर सकें। और UP SSC PET का हम जल्द ही आपको 1 अगस्त से आपको मिल जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट, आपको लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 100-100 क्वेश्चंस के, जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और जीएस क्वेश्चन होंगे, आप यहां से उसको जरूर कर लीजिएगा, उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक। और UP SSC PET संबंधित कोई समस्या 2022 संबंधित है, आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप इसमें लिंक दिया हो वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आप हमसे कोई सवाल जो भी हो आपको पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप दिया उसको भी आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।